झुंझुनू जिले की खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। माता शाकंभरी के भक्त माता के दरबार में इस बार कुछ नया करने की तैयारी में हैं। देश भर में तैयार हो रही माता की 7000 फीट लंबी चुनरी 2 जनवरी को पदयात्रा के बाद माता को अर्पण की जाएगी। 700 किलो वजनी इस चुनरी को टेक्सटाइल सिटी सूरत से तैयार करवाया गया है। माता को अर्पण हो रही ये चुनरी खास इसलिए भी है कि पूरी चुनरी को एक ही रूप दिया गया है तथा एक ही प्रकार की इसमें बूटियां भी लगाई जा रही है। माँ शाकंभरी के मंदिर में ये पहला मौका होगा जब अब तक की सबसे लंबी चुनरी माँ के दरबार में अर्पित होगी। दरअसल देश के विभिन्न हिस्सों में फैले माँ के भक्तों ने वर्ष 2018 में कुछ अनूठा करने की ठानी है। शाकंभरी को 7000 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी। इस दिन माता का प्रकाट्य महोत्सव भी है। प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, बेंगलोर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सिलवासा, दीप दमन, पांडुचेरी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम माता की चुनरी को जोड़कर इसे विशाल रूप दिया गया। यहाँ से सभी चुनरी मध्य प्रदेश की नीमच में है जहाँ माता की भक्ति से जोड़ रहे हैं। साथ ही उदयपुर वाटी में भी माता की भक्त चुनरी को विशाल रूप देने में लगे हुए हैं। रविवार को सभी चुनरी उदयपुर वाटी पहुंच जाएंगी। यहाँ पर सभी को एक सूत्र में बांधा जाएगा। इस विशाल चुनरी के लिए बूटियों को पैटर्न भी एक जैसा ही रखा गया है। गुज्जर समाज प्रतिभा सम्मान समारोह भैरूराट के देवनारायण मंदिर में दाऊ धाम के जगत गुरु पीठाधीश्वर बलदेवाचार्य महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। प्रतिभा सम्मान समारोह में अतिथि आरएस संपत कुमार गुज्जर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रविंद्र भड़ाना, खनिज विभाग सीकर में कार्यरत पूनम गुज्जर, पीएचडी गुडा एन सुनील कुमार गुज्जर, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चंदकी राम गुज्जर, खेतड़ी बीसीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुज्जर, बागोरा सरपंच प्रतिनिधि रोहितास गुज्जर थे। कार्यक्रम में गुज्जर समाज की प्रतिभाओं का अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सिवा ग्रुप के अध्यक्ष सिवा भाई गुज्जर ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। चिड़ावा खेलकूद मैदान में पंडित परमहंस क्रिकेट क्लब की ओर से चल रही चैंपियन क्रिकेट कप का समापन समारोह हुआ। फाइनल मुकाबला सीआरएस बनाम बीबीसी के बीच खेला गया। सीआरएस ने प्रतियोगिता पर कब्जा जमाया और बीबीसी को हराया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। फाइनल मुकाबले के बाद प्रिंस अवार्ड मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी दिया गया। विजेता टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया जबकि उप विजेता टीम को 5100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि चिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान कैलाश मेघवाल थे। अध्यक्षता प्रतियोगिता के संयोजक कमलकांत पुजारी ने की। विशिष्ट अतिथि युवा व्यवसायी दिनेश धादिज, रणजीत पलड़िया थे। परमहंस क्रिकेट कप का आयोजन 24 तारीख को स्टार्ट हुआ था। इस कप का फाइनल आयोजन आज 30 तारीख को हुआ है। सीआरएस क्लब और पावड़ी क्रिकेट क्लब के द्वारा शानदार रोचक मुकाबले के द्वारा सीआरएस क्लब ने कप जीता है और बावड़ी क्रिकेट क्लब को 6 रन से हराया है। सीआरएस क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए और सीआरएस बावड़ी क्रिकेट क्लब ने 124 रन पे ऑल आउट हो गए। प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये कप सीआरएस क्लब को दिया गया है और 5100 रुपये नगद पुरस्कार पावड़ी क्रिकेट क्लब को दिया गया है। मैन ऑफ द मैच सीरीज रहे सुनील गाड़ा को 2100 रुपये का प्रिंस अवार्ड और नगद और ट्रॉफी दी गई है। यहाँ प्रतियोगिता में 4 बार लगातार 3 छक्के लगाने वाले प्रतियोगियों को 5,500 रुपये का नगद इनाम दिया गया है और प्रतियोगिता में 2 बार हैट्रिक हुई दोनों प्रतियोगियों को 5,500 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। थिरपाली बड़ी के निवासी पत्रकार वीरेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र स्वर्गीय नत्थू सिंह को राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के चूरू का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उक्त नियुक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिवारी ने दिल्ली में एक समारोह में सौंपी। इसी बीच निकल रही है बड़ी खबर। आप देख रहे हैं बगड़ से निकल रही है बड़ी खबर। बगड़ पुलिस ने 20 लाख की अनुमानित कीमत राशि की हरियाणा निर्मित शराब पकड़ने का है मामला। गिरफ्तार आरोपी को पेश किया गया कोर्ट में, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। ट्रक में भरकर हरियाणा से लेकर आई जा रही थी शराब। ट्रक को और ट्रक चालक को किया गया है गिरफ्तार। आप देख रहे हैं इस वक्त ये बड़ी खबर सीएनयू पर। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे सीएनयू के साथ।